हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं कहाँ जा रही हूँ भाई, आप सबको मैंने बताया भी नहीं आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे साथ हुआ ये है कि बहुत साल पुरानी ईयरफोन, यानी कि 3 साल तो एटलीस्ट हो ही गए होंगे। यार मेरी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चलती हैं, मैं अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ। तो भाई ये ईयरफोन हो चुकी है ख़राब, और मुझे ना ईयरफोन के बिना मेरा काम नहीं चलता। मुझे एक ईयरफोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ ईयरफोन की शॉप पर, और लोकल शॉप पर गई हूँ मैं, और भैया से मैंने मांगी, भैया ईयरफोन दिखाना ज़रा, भैया सस्ती वाली दिखाना थोड़ा। तो भैया ने ये सस्ती वाली दिखा दी, 100 रुपये वाली, और 100 रुपये में भी मैंने कंसेशन कर लिया, उन्होंने डन कर दिया और मैंने ये वाली ईयरफोन ले ली। मैंने अच्छा चेक किया, इसका माइक जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, सॉरी, ये जो बटन होती है कट करने वाली, तो ये काम नहीं कर रही थी एक में। मैंने दोबारा चेक किया, मतलब ये लोकल वाली होती है, इनका ऐसे होता है। सो उसमें भी देखो, मैंने 100 रुपये में भाई बचत कर ली यहाँ पर 20 रुपीज़ की, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ घर वापस। और जब मैं घर वापस हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो आइसक्रीम वगैरह भी खा ही लेते हैं, मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन भाई यहाँ पर मेरे अरमानों में मेरे पानी फिर गया, क्योंकि जब मैंने आइसक्रीम की डेट देखी तो डेट मतलब मुझे सही नहीं लगी, काफ़ी टाइम की हो गई थी, इसलिए मैंने आइसक्रीम वापस कर दी और मैंने नहीं खाई। सो मेरे कहने का मकसद ये है यहाँ पर ये डालने का सीन, कि भाई अगर आप ऐसी चीज़ें कोई खा रहे हो तो देख कर खाना डेट, और अभी थोड़ा सा अवॉइड करना, अभी मौसम इतना भी अच्छा नहीं है। और मैं आ गई हूँ घर। अच्छा, तो इस तरीके से मैं डाइटिंग करूँगी भाई, एक तरफ तो मैं दाल का पानी पी रही हूँ और एक तरफ मैं मोमोज खा रही हूँ। मतलब मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है मोमोज देखकर, मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पोटैटो बॉल्स बना रही हूँ। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, और थोड़ी सी मैंने, ये देख सकते हो, धनिया डाली है, खड़ी धनिया जो होती है, साबुत धनिया, वो डाली, हरा मिर्च कूट के डाला है, काट के डाला है मतलब, और अच्छे से मैंने आलू को फ्राई कर लिया है। और ये देखो कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया, और ये मुझे इतना टेस्टी लगता है ना। और अच्छा, एक साइड मैंने चाय रख दी है, और इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब कि मन करता है कि मैं इसको ऐसे ही खा लेती हूँ, सिर्फ आलू खा लेती हूँ। डाइटिंग एक साइड में अपनी रख देती हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ भाई, धनिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसमें धनिया डाल दो और हरा मिर्च पड़ो ना, मज़ा आ जाता है। सो इस तरीके से मैंने फ्राई कर लिया, और अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी, तब तक मैं कढ़ाई में तेल डाल करके रख दूँगी। आज ना मैं आपके साथ पूरी रेसिपी इसकी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि है इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार नाश्ता है ना, मतलब कुछ नहीं खाना है ना, बस ये खा लो और मोटे भी नहीं होगे इससे, और मतलब डाइट वाइट फिट रहेगी आपकी। और ये मेरा बन करके तैयार हो गया, इसे ब्रेकफास्ट में खाओ, इसे दोपहर में खाओ, रात में खाओ, शाम को खाओ, कभी भी इसे खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ये है मेरा सेकेंड डे का रूटीन, और सेकेंड डे हुआ कुछ यूं कि आप ये देख सकते हो। सो भाई इग्नू की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अगर आप इग्नू से कर रहे हो कुछ ग्रेजुएशन वगैरह या फिर पीजी वगैरह आप कर रहे हो, तो इग्नू की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आज से। आज मेरी फर्स्ट क्लास थी, और मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि आज मेरी क्लास होने वाली है, अचानक से मुझे सुबह पता चला कि भाई मेरी क्लास है, सो उठ के तो क्लास कर ले। सुबह एक्चुअली काउंसलिंग क्लास थी, वो इसलिए होती है कि जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि हम असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करेंगे, और हमारा कॉलेज क्या है, टाइमिंग क्या होगी, और असाइनमेंट में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, बहुत सारे डाउट होते हैं। सो भाई पूरे एक से डेढ़ घंटे तक हमारे पूरे डाउट्स चले हैं। अच्छा, जो इवनिंग वाली क्लास थी वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, सो आपकी क्लासेस वहाँ पर होंगी। अच्छा, मैं जो कर रही हूँ वो एमए हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप इग्नू से कर रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कुछ पूछना हो, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। क्लास करने के बाद मैंने क्या किया कि कुछ खाया पिया, और ये देखो मैं आपके साथ बहुत शेयर करती रहती हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मुझे डाइटिंग करना है, मैं सोचती बहुत हूँ डाइटिंग के लिए कि मैं डाइटिंग करूँ, बट मेरे से होती नहीं है डाइटिंग। मेरा जो मन करता है मैं खाती हूँ। तो भाई मतलब जिनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हीरोइन बन रही हूँ मैं, तो भाई बहुत ज़्यादा डाइटिंग वाइटिंग कर रही हूँ भाई, और ये तो ख़त्म हो जाएगी डाइटिंग करके, जिनको ऐसा लगता है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोलती हूँ, मेरा मन नहीं मानता, मेरा दिमाग नहीं मानता खाने के लिए, सो मैं वो चीज़ें सारी खाती भी हूँ। और आपको भी यही कहूँगी, अगर आपका मन करता है तो आप ज़रूर खाओ, बट साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करो, क्योंकि मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ।
अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने आज ना क्लास में क्या नोट डाउन किया है। वो थोड़ा सा काम की चीज़ है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप इग्नू से होंगे, आपके घर में भाई बहन कोई रिलेटिव आस पड़ोस के लोग कुछ अगर कोई लोग होंगे। भाई इतने टाइम रात में कौन आ गया गेट के बाहर। दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये लिखा है कि हमारा जो कॉलेज चेंज हो गया, मैंने वो लिखा है। फिर उसके बाद असाइनमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या लगेंगे, आईडी प्रूफ लगेगा, एक इग्नू का फ्रंट पेज लगेगा। इग्नू का फ्रंट पेज आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा इग्नू की वेबसाइट में जा करके मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो देन आप जाकर के ईमेल आप अपनी चेक करो, वहाँ पर आपको एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक लिंक आई होगी, वहाँ से जाकर के आप उस लिंक पे क्लिक करो एंड ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको टीचर वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं सारी चीज़ें, और वहीं से आपकी सारी चीज़ सारे डाउट्स आपको वहीं से क्लियर होंगे। सो आपको ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने रात में ना कुछ पिक्चर्स एडिट की थी, वो पिक्चर्स मेरे पास एक्चुअली कल ही आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे काम ना ख़त्म करके ही छोड़ते हैं, देन उसके बाद मैं सोऊंगी। सो मैंने रात में 2:30-3 बजे सोई थी और 5 बजे मैं उठ गई थी सुबह। तो मैंने रात में ये वाली पिक्चर्स एडिट की थी, ये देखो, ये मेरा लास्ट शूट था जो उसकी पिक्चर्स हैं। कमेंट करके बताना ये कैसी लग रही हैं। और मैं वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे फुल नींद की ज़रूरत है, 1-2 दिन बाद मेरा फिर से शूट होने वाला है। सो भाई मुझे अपनी स्किन का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, और वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। अच्छा, नेक्स्ट व्लॉग मेरा आने वाला है शॉपिंग पर, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ये वाला वीडियो अगर हेल्पफुल लग गया हो, अच्छा लग गया हो, तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।